Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to explain requirement of capital. जैसे कि हमें पता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है. सो व्हाट इज मीनिंग बाय कैपिटल? इन सिंपल वर्ड्स, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज नोन एज अ कैपिटल. जब हम किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहां कैश के साथ साथ फिक्स असेट, लिक्विड असेट और करंट असेट्स की भी जरूरत होती है और उसी के लिए एक बिजनेसमैन के पास कैपिटल होना जरूरी है. एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए कैपिटल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, यह डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और एक बिजनेसमैन इसके लिए फाइनेंशियल प्लान ड्राफ्ट करता है जो उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन के बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है. सो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी मात्रा में प्रॉपरली हो सकती है, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या होती है और ऐसे कौन से पार्ट्स है जो कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं. सो फ्रेंड्स, two kinds of capitals are required, that is the first is a fixed capital and the another is a working capital. ye do part bahut hi important hote hain. these are the two sides of a capital. so let us discuss the first, that is fixed capital. fixed capital kya hota hai? see this image, this is the image of a fixed asset, that is a building or a house, and there are so many examples are given here. तो पहले हम देखते हैं कि fixed capital क्या होता है. तो fixed capital is that portion of total capital which is invested in the fixed asset like land, building, plant, machinery, equipment, furnitures, etc. और ये जो फिक्स असेट होती है या जिसे हम हिंदी में स्थायी संपत्ति कहते हैं, इन्हें परचेज किया जा जाता है या जरूरत पड़ने पे इनका रीसेल भी किया जा सकता है. सो फिक्स असेट स्टे और रिमेन्स इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दैट इज ऑलमोस्ट परमानेंटली. सो फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड इनिशियली एट द टाइम ऑफ establishment of a business firm or a company. जब हम किसी business firm को या company को establish करते हैं तो ऐसी condition में fix capital की जरूरत होती है, जिसके वजह से हम time to time modernization भी कर सकते हैं. यदि जरूरत पड़ती है तो हमारी company या institution का development करने के लिए या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट या डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी एक कंपनी के पास फिक्स असेट का होना बहुत ही जरूरी होता है. कई बार ओनर के माइंड में या एम्प्लॉयर के माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिक्स असेट कहाँ से हम ला सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही इजी वे है, दैट इज फ्रॉम द बैंक एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अगर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का एक्सपांशन और ग्रोथ करना है तो ऐसी कंडीशन में वो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग के थ्रू भी फिक्स असेट को कलेक्ट कर सकता है. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो फिक्स असेट की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं, दैट इज अवर पॉइंट. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स कैपिटल की क्वांटिटी कम चाहिए या फिक्स कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे एक इंस्टीट्यूशन अपनी फिक्स कैपिटल की क्वांटिटी को डिसाइड करता है, तो अभी हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ अ बिजनेस. आपके बिजनेस का नेचर कैसा है? क्या आपका बिजनेस एंटरप्राइज या इंडस्ट्री पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न से रिलेटेड है? क्या उसका साइज ह्यूज है? अगर ऐसी कंडीशन है आपकी बिजनेस की तो एक बिजनेसमैन को परचेज करने के लिए और फिक्स असेट्स को इंस्टॉल करने के लिए फिक्स कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का साइज
स्मॉल है तो ऐसी कंडीशन में फिक्स असेट में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है. नाउ द अनदर पॉइंट इज द साइज ऑफ अ बिजनेस. अगेन द साइज ऑफ अ बिजनेस दैट इज वेदर द साइज ऑफ अ बिजनेस इज अ स्मॉल और अ साइज ऑफ अ बिजनेस इज अ लार्ज. अगर बिजनेस इंटरप्राइज का साइज लार्ज स्केल है दैट इज लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिक मशीनरी यानी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है और ऑब्वियस है कि फिक्स असेट की क्वांटिटी भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है. लेकिन अगर एक बिजनेस एंटरप्राइज का साइज काफी स्मॉल है तो ऐसी कंडीशन में फिक्स असेट की जरूरत भी कम पड़ेगी. नाउ स्कोप ऑफ बिजनेस. आपके बिजनेस का स्कोप कैसा है. द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर एस्टैब्लिश्ड टू अंडरटेक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. लेकिन अगर आपके बिजनेस का स्कोप स्मॉल लेवल पे है तो ऐसी कंडीशन में आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है. नाउ द एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट. कई बार क्या होता है एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए हमें लीज पर असेट्स एंड प्रॉपर्टीज लेनी होती है. यदि हम लीज पर असेट्स एंड प्रॉपर्टीज लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में फिक्स कैपिटल की क्वांटिटी हमें कम चाहिए होती है. लेकिन अगर हम परमानेंटली अपनी स्वयं की फिक्स असेट्स को परचेज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें फिक्स कैपिटल की क्वांटिटी कम चाहिए होती है. Now the another point is arrangement of subcontract. This is also important point जिसके आधार पे fixed capital की quantity decide की जाती है. So if entrepreneur outsources on subcontract some of the processes of production to expert to complete then fixed capital requirement in such case would be less. अगर हम बाहर के contracts अरेंज करते हैं तो हमें परमानेंटली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में फिक्स कैपिटल की जरूरत भी कम होती है. इन द सेम मैनर एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स. इफ एंटरप्रेन्योर अक्वायर ओल्ड प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी विच आर इन वर्किंग कंडीशन एट लो प्राइसेस देन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस. लेकिन अगर एक एंटरप्रेन्योर न्यू असेट्स एंड प्रॉपर्टीज को परचेज करता है तो उस परचेसिंग के लिए उसकी परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए. इसलिए उसे ऐसी कंडीशन में फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है. नाउ द अनदर फैक्टर इज एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट. अगर कंसेशनल रेट्स पर प्रॉपर्टीज एंड असेट्स अवेलेबल होता है तो ऐसी कंडीशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है. बिकॉज कंसेशन दैट इज डिस्काउंट. अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो ऑब्वियस है कि हमारी सेविंग होती है. नाउ द अनदर फैक्टर इज इंटरनेशनल कंडीशंस. फ्रेंड्स इंटरनेशनल कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पर एक बिजनेस एंटरप्राइज की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड होती है. द लार्ज स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल नीड्स टू एक्सपांड देयर प्रोडक्शन. यस अगर हम किसी भी बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे रन करते हैं तो उसके हिसाब से हमारी बिजनेस की गुडविल को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से हमें हमारे बिजनेस इंटरप्राइज का एक्सपांशन करना होगा. लार्ज क्वांटिटी में हमें फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी. Now the another is trends in economy. हमारी इकोनॉमी में कैसा ट्रेंड चल रहा है. If entrepreneur or management predicts that the future of company to be bright, then it undertakes expansion of activities in all areas of business.
अगर हमें लग रहा है कि कल हमारे बिजनेस का स्वरूप, कल हमारे बिजनेस का फॉर्म बहुत अच्छा हो सकता है, हमारी ग्रोथ हो सकती है, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में एक बिजनेस एंटरप्राइज फिक्स असेट्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि कल मेरे बिजनेस का स्वरूप काफी ब्राइट होने वाला है, इग्नाइटेड होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रेजेंट टाइम में ज्यादा से ज्यादा फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करेगा, जिसके लिए एक बिजनेस एंटरप्राइज को फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा से ज्यादा होगी। इन द सेम मैनर पॉपुलेशन ट्रेन, हमारी पॉपुलेशन का ट्रेन कैसा है, व्हेन पॉपुलेशन इन सर्टन एरियाज इंक्रीजेस एज हाई रेट सम मैन्युफैक्चरर्स गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड देयर बिजनेस विच इंक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स असेट्स, दैट इज रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। लेकिन कोई ऐसा एरिया है जहां पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं हो पा रही है या लो ग्रोथ है, तो ऐसी कंडीशन में एक बिजनेस एंटरप्राइज का एक्सपांशन करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिक्स कैपिटल की जरूरत भी कम होती है। इन द सेम मैनर कंज्यूमर प्रेफरेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एज वी ऑल नो कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ अ मार्केट, कंज्यूमर है इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर है, अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो एंटरप्रेन्योर का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, इसीलिए एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए कंज्यूमर्स के लाइक्स डिसलाइक्स को, इंटरेस्ट को, आइडियाज को, प्रेफरेंसेस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो बिजनेस फॉर्म प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेस विच आर इन ग्रेट डिमांड नीड टू प्रोड्यूस मोर, हिंस दे नीड मोर फंड टू इन्वेस्ट इन फिक्स असेट्स लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा। In the same manner, competitive factor. This is the most important factor which decide the quantity of a fixed capital. आज हम सभी एक competitive scenario में survive कर रहे हैं और इस scenario में survive करने के लिए हमें अपने आप को update रखना होगा, अपने business को update रखना होगा, अपने जितने भी rival industries हैं उनका observation करना होगा, उनका सर्वे करना होगा, उसी के बेसिस पर हम हमारे बिजनेस की आइडियाज एंड ग्रोथ को डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को अच्छी तरह से फेस कर पा रहे हैं तभी हम कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस को भी इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स मूव टूवर्ड्स ऑटोमेशन द अदर बिजनेस फर्म इन द सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो फॉलो, यस आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ऑटोमेशन के ओर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको भी अपने आप को अपडेट करना होगा। सो कॉम्पिटिटिव फैक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके आधार पे फिक्स कैपिटल की क्वांटिटी डिसाइड होती है। सो दीज आर द फैक्टर्स which affecting, which deciding the quantity, the volume of fixed capital, और जिसके basis पे एक business का expansion and growth decide होता है। So this is the first phase of capital requirement. Now the another phase is that is working capital. Fixed capital के साथ साथ working capital is also important and there should be balance between fixed capital and working capital. So what is working capital? Working capital is that portion of total capital which is invested in short-term assets such as cash, account receivable, inventories, etc. And it is used to carry out day-to-day business activity. सो फ्रेंड्स, हमारे डे टू डे लाइफ में हम अपने बिजनेस को स्मूथली और सक्सेसफुली रन करने के लिए जो कैपिटल यूज करते हैं उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसे हिंदी में कार्यशील पूंजी कहा जाता है। बर्स्टेनबर्ग
defines working capital as the excess of current assets over current liability. जब current assets की quantity current liability से ज्यादा होती है तो हम उसे ही working capital कहते हैं. जबकि J.S. Mill ने क्या कहा है, the sum of current assets is working capital. जितनी भी हमारी current asset है उसकी total को हम working capital कह सकते हैं. सो इसे हम वर्किंग कैपिटल को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, इसे सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है और इसे नेट वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है, जो एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए उस बिजनेस के डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने देखा कि फिक्स असेट लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड होती है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होती है वो शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड होती है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है. तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं. हमारे बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए जैसे कि हम जानते हैं हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की जरूरत कब ज्यादा होती है और कब कम होती है इसे जानना बहुत ही जरूरी है. सो लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट. द फर्स्ट इज द नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस का नेचर कैसा है. द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजम्पशन एंड पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न प्रोवाइडिंग सर्विसेज नीड लेस वर्किंग कैपिटल. एक बिजनेस एंटरप्राइज है, वो अगर अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर रहा है, कंटिन्यूअसली सफिशियंट और कांस्टेंट कैश इनफ्लो है अगर उसके पास में, तो ऐसी कंडीशन में उस बिजनेस एंटरप्राइज की वर्किंग कैपिटल कम होती है. जबकि एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, लग्जरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होती है, क्योंकि लग्जरियस थिंग्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर या कस्टमर बहुत कम होते हैं. नाउ द अनादर इज साइज ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड द क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल. आपके बिजनेस एंटरप्राइज का साइज कैसा है, छोटा है या बड़ा है, इसके बेसिस पे आपकी वर्किंग कैपिटल डिसाइड होती है. अ बिजनेस एंटरप्राइज विद लार्ज स्केल ऑपरेशन नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वेयर एज द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस फर्म्स ऑपरेटेड ऑन स्मॉल स्केल एंड एट लोकल लेवल इज वेरी लेस. नाउ वॉल्यूम ऑफ सेल, विक्रय की मात्रा कितनी है, आप कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हो, कम क्वांटिटी में सेल हो रहा है आपका प्रोडक्ट या ज्यादा क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इसके बेसिस पर भी वर्किंग कैपिटल डिसाइड होती है. द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ सेल. इफ वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस देयर इज एन इंक्रीज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. लेकिन अगर हमारी वॉल्यूम ऑफ सेल कम है तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी कम होगी. इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करता है. उसी तरह से हम देखते हैं प्रोडक्शन साइकिल. इफ द प्रोडक्शन साइकिल पीरियड इज अ लॉन्गर द फर्म रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. लेकिन अगर प्रोडक्शन साइकिल कम पीरियड के लिए है तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी कम से कम क्वांटिटी में होती है. इन द सेम मैनर बिजनेस साइकिल इज आल्सो इंपॉर्टेंट. जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दो तरह की कंडीशन होती है. सो इन्फ्लेशन इज द बूम, दैट इज द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ इकोनॉमी. जब एक इकोनॉमी का एक्सपांशन होता है, जब वहां पे मनी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम बूम कह सकते हैं या इन्फ्लेशन कहते हैं. जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है सो डिमांड एंड सेल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज विच इन टर्न इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. क्योंकि इन्फ्लेशन की कंडीशन में, मुद्रास्फीति की कंडीशन में कस्टमर की परचेसिंग पावर ज्यादा होती है, मनी की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होती है,
कस्टमर की परचेसिंग पावर ज़्यादा होने के कारण एक बिजनेसमैन भी अपने आप को अपडेट रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से डिमांड और सेल में प्रॉपर बैलेंस क्रिएट किया जा सके। लेकिन रिसेशन के पीरियड में क्या होता है, कस्टमर की परचेसिंग पावर डाउन हो जाती है और ऐसी कंडीशन में एक बिजनेसमैन को अपने पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कम कार्यशील पूंजी से भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चला सकता है। नाउ द अनदर एस्पेक्ट इज टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करते समय, प्रोवाइड करते समय उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होती है, इसके बेसिस पर भी वर्किंग कैपिटल डिसाइड होती है। इफ बिजनेस फर्म डज नॉट गेट प्रॉपर क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर एंड एडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर सेल, देन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन को अपने खुद के सप्लायर से क्रेडिट की फैसिलिटी मिल रही है और वो अपने कस्टमर को क्रेडिट की फैसिलिटी कम से कम दे रहा है, कैश की पॉलिसी है, तो ऐसी कंडीशन में एक बिजनेसमैन के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होती है। उसी तरह से क्रेडिट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके आधार पे हम वर्किंग कैपिटल की क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हैं। इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड, इट्स कैश इनफ्लो इंक्रीजेस एंड नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल रिड्यूसेस। लेकिन अगर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी हमारी लिबरल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उधारी में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक बिजनेस के लिए रिस्क हो सकती है, बैड डेब्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है और ऐसी कंडीशन में एक बिजनेसमैन के पास वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। सो द बिजनेस फर्म सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसी तरह से अगर एक बिजनेस फर्म अपने गुड्स को क्रेडिट बेसिस पर सेल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उधारी में सेल करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास वर्किंग कैपिटल की क्वांटिटी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नाउ द अनादर इज दैट इज मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, हम एक बिजनेस को चला रहे हैं लेकिन उस बिजनेस का हम ग्रोथ एंड एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक बिजनेसमैन के पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जब एक बिजनेस का हम एक्सपांशन एंड ग्रोथ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम फिक्स असेट्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लिक्विडिटी पावर ज्यादा होनी चाहिए और इसलिए वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मैनेजमेंट एबिलिटी, जैसे कि हमें पता है एक सक्सेसफुल मैनेजर ही एक बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपांशन कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को साउंड रख सकता है, तो एक बिजनेसमैन की मैनेजमेंट एबिलिटी कैसी है, क्योंकि मैनेजर चाहे तो अपने बिजनेस को पीक प्लेस तक ले जा सकता है और मैनेजर चाहे तो अपने बिजनेस को डुबा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजमेंट, मैनेजर की एबिलिटी कैसी है, वेदर द मैनेजर हैज अ गुड क्वालिटीज, गुड एबिलिटीज, गुड स्किल्स एक्सेट्रा, सो इट डिसाइड द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और अगर एक बिजनेसमैन, एक मैनेजर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सेल्स डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है, तो ऐसी कंडीशन में वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होती है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंटरीज रखता है, स्टॉक रखता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। एंड द लास्ट दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। सो अभी हमने देखा, हमने काफ़ी इंटरनल फैक्टर्स को भी डिस्कस किया है, बट इसी के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर
एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना है, ग्रोथ करना है, आगे से आगे अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यदि बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स का सप्लाई करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास अगर वर्किंग कैपिटल कम भी होती है तो उस बिजनेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से हो सकती है। सो आज हमने देखा कि एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, और वो कैपिटल होती है वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल। वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। थैंक यू।